नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानसून सीजन आ चुका है पूरे भारत में, और किसी भी पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को या फिर पौधे की नेचुरल ग्रोथ के लिए कह सकते हैं सबसे अच्छा सीजन होता है, जिसमें आपके सभी प्रकार के सभी पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये वो टाइम है जब आप अपने पौधों की जो रुकी हुई ग्रोथ है उसको रीग्रोथ पे ले आ सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं, और जो भी पौधे आपके काफ़ी टाइम से ग्रोथ पे नहीं है, रुक गई है उनकी ग्रोथ, तो उनको वापस से आप उनकी ग्रोथ इस मौसम में थोड़ी सी काम करके, थोड़ी सावधानियां बरत के और थोड़ा सा उसमें केयर करके उसे रीग्रोथ पर ला सकते हैं। तो इसी के बारे में वीडियो है दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले कुछ कमियां बता दूं जिसकी वजह से आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, जिसमें जो पहली कमी है वो होती है ओवर वाटरिंग। मानसून सीजन भी आ चुका है दोस्तों, हम वाटरिंग जब करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि मिट्टी में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और हम फिर भी वाटरिंग करते जाते हैं, तो जो रूट्स होती हैं उनमें बीमारियां आती हैं, और रूट्स जब हेल्दी नहीं होंगी तो पौधों की ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक सी जाएगी। तो आपको क्या करना, ओवर वाटरिंग से बचना है। चलिए ना, आम सीजन में तो आप ओवर वाटरिंग से बच सकते हैं, पर जो मानसून सीजन है इसमें आपको ओवर वाटरिंग से कैसे बचना है, देखिए, अगर आपके छोटे पॉट्स हैं तो उन्हें आप शिफ्ट कर लें अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो, और अगर बड़े पॉट हैं तो उन्हें किसी चीज़ से ढक सकते हैं तो ढक दें, और नहीं ढक सकते हैं तो आप वेट करें, उसमें जैसे ही बारिश रुकती है तो जो पानी उसमें एक्सेस वाटर इकट्ठा हुआ है उसे आप निकाल दें। फिर दोस्तों, दूसरी चीज़ जो होती है ग्रोथ को रोकने का, वो होता है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जब मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो जाती है हमारे पॉट्स की, तो उसमें क्या होता है, रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, रूट्स फैल नहीं पाते हैं और मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जब रूट्स को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो दूसरी कमी ये भी होती है कि मिट्टी का ज़्यादा हार्ड होना, तो इसीलिए वीडियो में हम हमेशा अक्सर बताते हैं कि जब भी आप मिट्टी बनाओ तो उसे पोरस बनाओ, जितना भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छी रूट्स उसमें डेवलप होंगी। जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ राइस हस्क, तो आप भी राइस हस्क यूज कर सकते हैं मिट्टी को पोरस बनाने के लिए, रूट्स की डेवलपमेंट को अच्छी करने के लिए। फिर दोस्तों, जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ वो होता है सनलाइट की एब्सेंस। क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधों को जो है धूप चाहिए होती है अपना भोजन बनाने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है वो धूप के साथ ही पत्ते करते हैं। तो अगर आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलती जिससे वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो उनकी ग्रोथ इस कारण से भी रुकती है। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस पौधे को जितनी धूप की ज़रूरत उससे ज़्यादा धूप देते हैं तो उससे भी उस पौधे में डिफिशियंसी आती है और पौधे में बीमारी आती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो समझना होगा कि किस पौधे को कितनी धूप की आवश्यकता होती है। तो जो काफ़ी हार्डी प्लांट हैं, जैसे मैं बात करूं गुड़हल की या फिर मोगरा की, बोगनवेलिया की, इन चंपा की, इन सभी पौधों को आप पूरे दिन की धूप दे सकते हैं। पर जैसे हमारा पौधा हो गया सदाबहार का, या फिर जो और भी पौधे हैं जो हार्डी प्लांट नहीं है, इन्हें 4 से 5 घंटे की धूप पर्याप्त होती है, जिसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो धूप और धूप दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जब मानसून सीजन होता है तो पौधों में जब जो मिट्टी है इसमें धूप लगेगी तो जो पानी एक्सेस, पूरी मिट्टी गीली हुई है तो धूप से ये मिट्टी थोड़ी सूखती है, तो नीचे की नमी कम होती है जिससे रूट्स में फंगस का डर कम हो जाता है। फिर दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं, जो ड्रेनेज होल होता है वो आप देख लें ब्लॉक तो नहीं है, अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक है तो आप उसको जो है ज़रूर खोल लें, क्योंकि उससे भी होता है कि हम जो वाटरिंग करते हैं तो वाटर जो ड्रेन नहीं होता है वो उसी में गमले में रुका रहता है, जिससे भी रूट्स ख़राब होती हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है कि जब पौधों की पानी ज़्यादा हो जाता है, निकल नहीं पाता है, तो जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है उसमें इस प्रकार से देखिए, ये ग्रीन कलर की काई सी कहते हैं हम इसे, काई लग जाती है, मिट्टी यहाँ से हार्ड होने लग जाती है। तो जो भी इसमें हम कंपोस्टिंग करते हैं या फिर जो वाटरिंग करते हैं, तो इस काई के लगने की वजह से वो मिट्टी में कंपोस्ट नहीं जा पाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल नहीं पाते हैं और वाटरिंग भी ऊपर ऊपर ही रह जाती है, और फिर नेक्स्ट टाइम ये मिट्टी और ज़्यादा ऊपर से, इसकी ऊपरी सतह काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी टूल की मदद से इसकी गुड़ाई ज़रूर कर लेना है,
जब भी बारिश हो या फिर जब भी आपको लगे कि मिट्टी में काई लग रही है, तो आपको किसी टूल्स की मदद से इसकी ऊपर से गुड़ाई करना है, मिट्टी को हल्की कर लेनी है, भुरभुरी बना देनी है ऊपर से, जिससे कि आप जो कंपोस्टिंग करें वो भी मिट्टी में उसके न्यूट्रिएंट्स मिले, और जब बारिश हो या फिर जब आप वाटरिंग करें तो जो वाटरिंग है वो मिट्टी में नीचे आराम से निकल जाए और ड्रेनेज होल के रास्ते ड्रेन होके वो पानी निकल जाए। तो इस प्रकार देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी काफ़ी गीली है, इसको आप थोड़ा सा सूखने का मौका दें, जब सूख जाए तब करें, मैं आपको दिखाने के लिए अभी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी गीली मिट्टी को नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी मिट्टी जो है पूरी की पूरी गुड़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, एक धूप देख लें पौधा, उसके बाद आप गुड़ाई करें, और गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। नॉर्मल भी आप अपने गार्डन की करीब 15 दिन में 20 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर लिया करें, जिससे कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं, उनको एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिल जाती है बाहर से, तो वो पौधा काफ़ी अच्छे से डेवलप करता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, पौधों की रीपॉटिंग। क्या होता है कि हमारे पौधे काफ़ी टाइम से एक ही गमले में लगे होते हैं, तो उसमें रूट बाउंड हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये पौधा आप देख सकते हैं टिकोमा, मेरा 4 से 5 इंच के गमले में लगा हुआ था, फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा थे पर सारे फ्लावर्स गिर गए, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई। तो मैंने इसे रीपॉट किया वापस से, और आप रीपॉट करने के बाद देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ भी आ गई है और नए फ्लावर्स भी खिलने लग गए हैं। तो रूट बाउंड हो जाता है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आप पौधे को जो है शिफ्ट करते हैं तो बड़े गमले में शिफ्ट कर लें, या फिर वापस से उसी गमले में शिफ्ट करें, तो उसमें क्या होता है कि रूट्स को प्रून कर लेते हैं हम। जब हम रूट को प्रून करके वापस से उस गमले में शिफ्ट करते हैं तो रूट्स को फिर से वापस से अपने आप को बढ़ने में मदद मिलती है, जगह मिलती है, और नई मिट्टी जो डालते हैं उसमें पोषक तत्व की भरपूर मात्रा होती है, तो पौधा फिर से ग्रोथ पकड़ता है, नई ग्रोथ पौधे में आती है। तो इस प्रकार ये देखिए, ये मेरा मधुमालती मधुकामनी का पौधा है, इसको भी हमने रिपोर्ट किया है, तो इसमें देखिए आप कितनी सारी कलियाँ आ गई हैं अभी रिपोर्ट करने के बाद से। तो रिपोर्टिंग भी एक समस्या होती है, और बारिश का मौसम है तो रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट सीजन है। आप इसमें जितने भी पौधे आपके काफ़ी टाइम से पुराने गमले में लगे हुए हो तो उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पौधों की कटाई छटाई की। दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो पौधे लगे होते हैं तो उसमें कुछ अनवांटेड ग्रोथ होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है, और जिसका कोई यूज नहीं होता है हमारे गार्डन में। जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें फूल खिल गए तो फूल से फिर जो बीज बन रहे होते हैं, या फिर जो अलग टहनियाँ हैं जो नीचे से निकल के आई हैं, काफ़ी टहनियों में फूल नहीं बनते हैं, तो हमें उनकी प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग टाइम टाइम पर करते रहना चाहिए, क्योंकि जो पौधे की एनर्जी है वो उन चीज़ों में जा रही है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिस जगह पौधे की ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ सारी एनर्जी मिल नहीं पाती, इसलिए पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाती है। तो हमें ये चीज़ें देखते रहना चाहिए कि कहाँ पौधे की ग्रोथ जा रही है, पौधे की एनर्जी किस जगह पे वेस्ट हो रही है। तो जो भी फ्लावर प्लांट्स हैं उनमें, जैसे गुलाब के पौधे हुए या फिर जो भी फ्लावर प्लांट्स हैं उनमें, जब फूल खिल जाएँ तो उन फूल को जो सूखने के बाद उन्हें आप उनसे अलग कर दीजिए, या फिर जो सूखी टहनियाँ हों उन्हें अलग कर लीजिए। तो ये कुछ उपाय हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के ऊपर जो कि हमें पौधों की ग्रोथ के लिए देना है, जिसमें पहला फर्टिलाइज़र दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, ये है काउडंग कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट, जो मेरी वीडियो अपलोड है चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं कि कंडे से लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं जिसमें NPK भरपूर मात्रा में हो। तो ये देखिए दोस्तों, इसे हमें अभी फ़िलहाल बारिश के सीज़न में नहीं देना है, क्योंकि लिक्विड कंपोस्ट अगर हम बारिश के सीज़न में देते हैं और बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी के साथ साथ सारा लिक्विड कंपोस्ट ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाता है और पौधे को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसे हमें अभी नहीं देना है। हाँ, अगर आपके यहाँ लगातार कंटिन्यूस बारिश नहीं हो रही है तो आप लिक्विड कंपोस्ट दे सकते हैं। इसकी जगह पर मैं जो प्रेफर करूँगा, अभी आप काउडंग कंपोस्ट दीजिए सिंपल, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। देखिए, जो रूट्स पौधे की ग्रोथ रुकी होती है तो उनमें रूट्स की जो है बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनमें रूट जो है वो ग्रोथ करना होता है। तो जो काउडंग कंपोस्ट हम देते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन रूट की ग्रोथ के लिए काफ़ी सहायक होता है। तो हम काउडंग कंपोस्ट देते हैं, काउडंग कंपोस्ट को आप ऊपर की मिट्टी निकाल के उसमें डाल के फिर वाटरिंग कर दीजिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम देंगे ह्यूमिक एसिड। आप सभी अगर गार्डनिंग करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ह्यूमिक एसिड पौधों की रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। तो ह्यूमिक एसिड हम देते हैं, इसके देखिए ग्रैनुअल्स फॉर्म में ये आता है, और गमले की साइज़ के हिसाब से इसके हम ग्रैनुअल्स सभी गमलों में डाल गुड़ाई करके उसमें डाल देते हैं।
अगर आप करीब 12 इंच के गमले को लेते हैं तो उसमें आप 15 से 16 ग्रैनुअल या 20 ग्रैनुअल्स तक उस गमले में डाल सकते हैं, और डालने के बाद उसकी गुड़ाई करके उसमें डाल दीजिए, फिर उसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये ह्यूमिक एसिड दोस्तों, ये भी इसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, और ये रूट्स की जो ग्रोथ है उसे बहुत अच्छी कर देता है। तो ये दोनों ही फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊं, 10 से 15 दिन के अंतराल में डालिए, लगातार एक साथ नहीं डालना है। और फिर ये दोनों के बाद हम तीसरी फर्टिलाइज़र पे आते हैं, ये है सीविट ग्रैनुअल्स। इसका भी एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं कि इसे कब कैसे और कितना यूज़ करना चाहिए। ये पौधों की रुकी हुई ग्रोथ के लिए ही स्पेशल फर्टिलाइज़र है दोस्तों, अगर आप इसे ही टाइम टाइम पर देते हैं तो आपको किसी और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सीविट को दोस्तों ये 5 ml आप 5 लीटर पानी में डाल लें, और पौधों पे फोलियर स्प्रे इसका कर लें। आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, इसका ग्रेनुअल्स फॉर्म में भी आता है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अगर बारिश ज़्यादा नहीं हो रही तो इस लिक्विड फॉर्म में ही इसको आप मिट्टी में मिला लें, और अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो ग्रेनुअल्स फॉर्म में जो इसके आते हैं कंपोस्ट सीविट ग्रेनुअल्स, उसे आप यूज कर सकते हैं मिट्टी में, जिससे कि आपके जितने भी पौधे हैं जिनकी ग्रोथ रुक गई है, जिसमें ग्रोथ नहीं आ रही है आपके हिसाब से, तो उसमें सभी में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आपको 15 से 20 दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैं दोस्तों अपने गार्डन में यूज कर रहा हूँ, और मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि मैं एक पौधा मेरा मधुमालती का, जिसमें ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई थी, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि उसकी जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल डाउन सी पड़ गई थी, ये तो इसमें मैंने इन तीनों ही चीज़ों को यूज किया है, और आप देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ कितनी अच्छी निकल के आई है। पूरे पौधे की ग्रोथ करीब करीब 4 से 5 महीने तक कोई ग्रोथ नहीं थी इसमें, और मैंने 10 दिन के अंतराल पे ह्यूमिक एसिड और काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड कंपोस्ट यूज किया, और सीविट ग्रेनुल्स का सीविट लिक्विड फर्टिलाइजर का इसमें फोलियर स्प्रे किया है। आप देखिए कितनी अच्छी लीव्स इसमें आ रही हैं, ग्रीनी लीव्स, सारे लीव्स ग्रीन हैं, और उसके अलावा इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और बारिश के सीज़न में तो वैसे भी सभी पौधों की ग्रोथ अच्छी हो ही जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा दे रहा हूँ, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो अपने गार्डन में इसे यूज कर सकते हैं, और रुके हुई ग्रोथ सभी पौधों की दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।